हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट्स और मोलैरिटी की। इनफैक्ट हर लेबोरेटरीज में आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं बफर्स और सॉल्यूशन बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपको कोई मोलर सॉल्यूशन बनाना है या कोई बफर बनाना है, तो उस केस में आपको मोल कॉन्सेप्ट और मोलैरिटी को समझने की ज़रूरत होती है। सिमिलरली, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, इंक्लूडिंग नेट, यूजीसी या गेट या दूसरे इंट्रेंस और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, हर एग्ज़ाम में कम से कम एक क्वेश्चन आपको मोल कॉन्सेप्ट के बेस पे मिलता है। और ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स मिस्टेक्स जनरली क्या करते हैं कि वो फॉर्मूला को रटते हैं, और फॉर्मूला रटने की वजह से कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है। तो आज के लेक्चर में मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा, जिसे आप खाली डेफिनेशन याद करके यू कैन अटेम्प्ट ऑल सच काइंड ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो मोलैरिटी या मोल कॉन्सेप्ट के बेस पे होते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हाउ विल यू कैलकुलेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 100 ml ऑफ प्योर वाटर। 100 ml ऑफ प्योर वाटर है, उसमें H2O के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, वो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। दूसरा, एक वाटर मॉलिक्यूल का जो मास है वो कितना होगा, अगर आपको कैलकुलेट करने को कहा जाए तो आप कैसे उसे करेंगे। या फिर एक वाटर मॉलिक्यूल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, अगर गैसियस स्टेट में है वाटर वेपर्स हैं तो उसमें एक वाटर मॉलिक्यूल कितना वॉल्यूम लेगा, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। या केमिकल रिएक्शंस में मोल कैसे इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्ट बनाने में। या फिर कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन ईच एलिमेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। अगर 100 ग्राम वाटर आपके पास हैं, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर वाटर है और गैस स्टेट में है, और आपको कहा जाए कि 12.2 लीटर ऑफ वाटर है, तो उसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे। सो वॉल्यूम को या अमाउंट को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। या फिर एक वाटर मॉलिक्यूल को अगर स्फेरिकल माने, तो एक वाटर मॉलिक्यूल की क्या रेडियस होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप आराम से सोल्व कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग द मोल कंसेप्ट। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे मोल्स की, मोल्स क्या होते हैं, कैसे उनको कैलकुलेट करते हैं, और मोलैरिटी क्या होती है, कैसे मोलैरिटी में सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, और उनके बेस्ड पे कई सारे न्यूमेरिकल्स हम आज सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मोल्स। मोल्स अगर आपसे पूछा जाए कि मोल की परिभाषा क्या होगी, तो मैं समझता हूँ कि 80% स्टूडेंट्स जो हैं उसका ये जवाब देंगे, मोल इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाई मोलर मास। मोलर मास या मोलिकुलर वेट, बट ये डेफिनेशन नहीं है मोल की, ये फॉर्मूला है जिससे आप मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, ये फॉर्मूला बेसिकली डेफिनेशन से ही आया है। तो डेफिनेशन क्या होती है मोल की, वन मोल हम कहते हैं कि वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 1 into मोलिकुलर वेट ऑफ दैट सब्सटेंस, और मोलिकुलर वेट होना चाहिए ग्राम्स में। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी सब्सटेंस का आपको एक मोल का पता करना है, तो वो उसके मोलिकुलर वेट इन ग्राम अगर आप लें, तो वो एक मोल के बराबर होगा। क्योंकि मोल को आप वे नहीं कर सकते, कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो ग्राम में कन्वर्ट करके हैं, तो मोल को आप ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। मोल इंटू वेट का रिलेशनशिप है, तो वो क्या है, वन मोलिकुलर वेट इन ग्राम। फॉर एग्जांपल, अगर वाटर है, वाटर का मोलिकुलर वेट 18 डाल्टन है, तो 18 ग्राम अगर आप वाटर लेंगे, तो 18 ग्राम वाटर में दैट इज इक्वल टू वन मोल ऑफ वाटर, राइट। या फिर ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट 180 डाल्टन है, सो 180 डाल्टन ग्लूकोज में वन मोल होगा, क्योंकि वो मोलिकुलर वेट है 180। सिमिलरली कोई भी कंपाउंड हो, उसका मोलिकुलर वेट आप ग्राम में ले लें, वो उसके एक मोल के बराबर होगा। अब उससे आप कितने भी मोल निकाल सकते हैं, आपको 1000 मोल निकालने हैं, 1 मिलीमोल निकालना है, माइक्रो मोल निकालना है, कुछ भी। लेकिन यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि जो वेट लेते हैं वो वेट हमेशा ग्राम में होता है डेफिनेशन के हिसाब से। सो वन मोल इज इक्वल टू वन मोलिकुलर वेट ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम्स। सो अगर आप ग्राम में ले लेंगे मोलिकुलर वेट के बराबर वेट, तो वो एक मोल के बराबर होगा। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट 180 है,
सो 180 ग्राम अगर हम ग्लूकोज लेंगे, सो 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दैट इज इक्वल टू 1 मोल, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं मोल्स को. 180 ग्राम ग्लूकोज इज इक्वल टू 1 मोल. अब आप इसमें 100 ग्राम ग्लूकोज, 1000 ग्राम, व्हाटएवर जो भी आप चाहते हैं वो इससे आप इस रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दिस इज बेसिक रिलेशनशिप. 180 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल इन केस ऑफ ग्लूकोज. यहाँ पे कोई सब्सटेंस दूसरा होगा तो ये 180 ग्राम चेंज हो जाएगा उस हिसाब से जो उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज. तो 180 ग्राम जो ग्लूकोज है उसमें 1 मोल है. सो 360 ग्राम में कितना होगा हम निकाल सकते हैं आराम से, इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 180 एंड दिस इज इक्वल टू 2 मोल्स. तो 360 ग्राम में 2 मोल्स होते हैं. ऐसे ही आप किसी भी सब्सटेंस का जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो आप निकाल सकते हैं बाय डिवाइडिंग वेट ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम. ये भी याद रखना है, पहले ग्राम में कन्वर्ट करना है वेट को, उसके बाद उसको डिवाइड करना है मोलिकुलर वेट से. तो वहाँ से आपका मोल आ जाएगा. उल्टा भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, मोल को भी आप वेट में कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर आपके पास 1 मोल है किसी चीज़ का और मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है, इसका मतलब है 1 मोल इज इक्वल टू 1 into मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट सब्सटेंस. तो ये रिवर्स कैलकुलेशन भी पॉसिबल है. दूसरी बात, 1 मोल किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में हमें पता है कि मॉलिक्यूलर वेट के बराबर ग्राम वेट होता है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और वो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो होते हैं इज इक्वल टू एवोगैड्रोज नंबर. सो 1 मोल इज ऑल्सो इक्वल टू ऑफ एनी सब्सटेंस इन फैक्ट 1 × 6.023 × 10⁻²³. ये नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो ये रिलेशनशिप है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में और मोल में. किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 मोल लें तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा कॉन्स्टेंट रहेंगे और वो है एवोगैड्रोज नंबर. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्लूकोज का 1 मोल ले रहे हैं, ग्लूकोज का 1 मोल का मतलब है 180 ग्राम ग्लूकोज, तो उसमें सेम 6.023 × 10⁻²³ नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल होंगे, C6H12O6 के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे. अगर हम वाटर की बात करें, वाटर का मॉलिक्यूल वेट है 18 डाल्टन. सो 18 डाल्टन अगर वाटर लेंगे उसमें भी इतने ही H2O मॉलिक्यूल्स होंगे सेम. सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड ऑन मोल्स प्रेजेंट. सो 1 मोल ऑफ एनीथिंग, एनी सब्सटेंस will have same number of molecules. वो अगर हम एटम लें, फॉर एग्जाम्पल कार्बन एटम, कार्बन का जो मॉलिक्यूलर वेट है, मास है, वो 12 है. सो 12 ग्राम अगर कार्बन लेंगे उसमें भी 1 एवोगैड्रो नंबर के बराबर कार्बन एटम होंगे. सो दैट इज द रिलेशनशिप किसी भी मोल में और नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में. सो उसके बेस पे क्वेश्चन हम लेते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज. अब कैसे 90 ग्राम ग्लूकोज में कितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे. सेम फॉर्मूला यूज करेंगे. 1 मोल हमें पता है कि ग्लूकोज का जो 1 मोल है दैट इज इक्वल टू 18 ग्राम, क्योंकि मॉलिक्यूल वेट, सॉरी 180 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज इज 180 ग्राम. सो 180 ग्राम ग्लूकोज में 1 मोल है और हमें यह भी पता है 1 मोल में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो होंगे 6.1 एवोगैड्रो नंबर के बराबर. हम जस्ट राइटिंग n. सो 6.02 × 10⁻²³ नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल होंगे. सो 180 ग्राम में 1 एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं. सो 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 1 ग्राम में n अपॉन 180 और हमें कैलकुलेट करने हैं 90 ग्राम में. कितने में भी कर सकते हैं इनफैक्ट, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में 90 ग्राम है, सो 1 ग्राम में n बाई 180 है. सो 90 ग्राम ग्लूकोज में होंगे, ग्लूकोज मॉलिक्यूल n अपॉन 180 × 90. सो 92 सो इज इक्वल टू n बाई टू और n क्या है यहाँ पे, n है एवोगैड्रोज नंबर. 6.02 × 10⁻²³ डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3.01 × 10⁻²³. सो इतने मॉलिक्यूल होंगे
90 ग्राम ग्लूकोज में। तो ऐसे ही आप किसी भी इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बस आपको याद इतना रखना है, वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट इन ग्राम्स एंड दैट इज इक्वल टू एवोगैड्रोज नंबर ऑफ टोटल पार्टिकल, टोटल एटम या टोटल मॉलिक्यूल्स। अब मोल्स को सॉल्यूशन में रिप्रेजेंट करने के लिए मोलैरिटी का इस्तेमाल करते हैं। मोलैरिटी बेसिकली कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को डिफाइन करने का एक तरीका है। और नंबर ऑफ मोल्स अगर एक लीटर में डिसॉल्व्ड हैं, एक लीटर सॉल्वेंट में, तो उसको वन मोलर सॉल्यूशन बोलते हैं। सो वन मोलर सॉल्यूशन इज इक्वल टू, और मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। सो वन मोलर सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। सो एक लीटर में किसी भी सब्सटेंस के कितने मोल डिसॉल्व्ड हैं, दैट इज मोलैरिटी। अगर एक मोल एक लीटर में डिसॉल्व्ड है तो इसे वन मोलर, अगर हाफ मोल है इसे 0.5 मोलर, या कुछ माइक्रोमोलर माइक्रोमोल्स डिसॉल्व हैं सो दैट्स ए माइक्रोमोलर सॉल्यूशन। सो फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 10% वेट बाई वॉल्यूम ग्लूकोज। सो ग्लूकोज का सोल्यूशन है जिसकी स्ट्रेंथ है 10% वेट बाई वॉल्यूम। सो हमें पता है कि परसेंटेज का मतलब होता है, वेट बाई वॉल्यूम का मतलब है 10 ग्राम्स इन 100 ml। सो 100 ml में 10 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्ड है, राइट। सो ये स्ट्रेंथ है जो दी हुई है। अब इसको हमें मोलैरिटी में कन्वर्ट करना है। तो मोलैरिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कितने ग्राम कितने मोल एक लीटर में है। अब मोल को मेज़र करने का तरीका है मोल ग्राम के हिसाब से, तो आप पता कर लें कि कितने ग्राम एक लीटर में डिसॉल्व्ड हैं। अब 100 ml में है 10 ग्राम, तो 1000 ml या एक लीटर में कितने होंगे, इट विल बी 100 ग्राम। सो 100 ग्राम होंगे एक लीटर में, लेकिन मोलैरिटी के हिसाब से हमें मोल पता करने हैं कि कितने मोल हैं। सो 100 ग्राम में कितने मोल हैं, अगर आप ये पता कर लें तो आप मोलैरिटी इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू हमें पता है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। सो 100 डिवाइडेड बाई ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट, ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट है 180। सो 100 को 180 से अगर आप डिवाइड कर दें, सो दैट विल बी 100 डिवाइड बाय 180 इज इक्वल टू 0.55। सो 0.55 मोलर सॉल्यूशन, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। कैपिटल एम का मतलब है मोलैरिटी, मोल्स पर लीटर। सो ग्लूकोज का जो 10% वेट बाय वॉल्यूम है, दैट इज इक्वल टू 0.55 मोलर सॉल्यूशन। तो ऐसे आप कोई भी, इनफैक्ट ग्लूकोज के अलावा कोई भी और दूसरा भी एनालाइट, दूसरा भी अगर आपको सोल्यूट और पता है कि कितने सोल्यूशन में डिसॉल्व्ड हैं, उसको आप मोलैरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मोल को परसेंटेज में उल्टा भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसी तरीके से, रिवर्स कैलकुलेशन करके। अब दूसरा क्वेश्चन है, प्रिपेयर 500 ml 10 मिलीमोलर ग्लूकोज। अब 10 मिलीमोलर ग्लूकोज कैसे बनाएंगे, और हमें बनाना है 500 ml। सो वन हमें 10 मिलीमोलर, सो इसको आप मोल में कन्वर्ट करेंगे। सो 10 मिलीमोलर का मतलब है 10 × 10⁻³ मोल्स। सो इतने मोल्स हैं, एंड मिलीमोलर का मतलब है पर लीटर। सो 10 × 10⁻³ मोल्स दे आर शुड बी डिसॉल्व इन 1 लीटर 1000 ml। अब मोल्स को हम ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे सेम फॉर्मूला से, उसको बाय मल्टीप्लाइंग विद द मोलिकुलर वेट। ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट है 180 डाल्टन। सो 180 इनटू, हम इसको यहीं से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दिस इज मोलिकुलर वेट, 180 इनटू 10 इनटू 10 रेज टू पावर माइनस 3। ये मिली की वजह से हमने माइनस 3 कर दिया है, क्योंकि एक मिली मोल में 10⁻³ मोल्स होते हैं। सो दैट इज इक्वल टू 1.8। सो अब ये ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करके आपने मोल्स को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया है। सो 1.8 ग्राम इन 1000 ml।
सो ये होगा 10 मिलीमोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन अगर आपको बनाना है तो आपको 1.8 ग्राम 1000 ml सॉल्वेंट वाटर में डिजोल्व करना पड़ेगा। सो अगर आपको 1 लीटर चाहिए तो 1.8 ग्राम आप वे करेंगे और उसको डिजोल्व कर देंगे, टोटल वॉल्यूम 1 लीटर कर देंगे। लेकिन यहाँ पे आपको बनाना है 500 ml। सो 1000 ml में 1.8 ग्राम चाहिए। सो 1000 ml बनाने के लिए आपको चाहिए 1.8 ग्राम। सो 500 ml क्वेश्चन में है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1.8 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 500 एंड दैट इज इक्वल टू 0.9 ग्राम ग्लूकोज आप ले लें, उसको कुछ वाटर में डिजोल्व करें और टोटल वॉल्यूम उसका 500 मेकअप कर दें मेजरिंग सिलेंडर लेके। सो दैट विल बी योर 10 मिलीमोलर ग्लूकोज विद 500 ml वॉल्यूम। अगला टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड बाई मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन। अगर कोई सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है ए एंड बी, सॉल्यूशन है या मिक्सचर है, तो उस सॉल्यूशन में रिलेटिव फ्रैक्शन, रिलेटिव मोल की जो परसेंटेज है आपस में एक दूसरे की, तो वो मोल फ्रैक्शन के टर्म में हम बता सकते हैं। परसेंटेज के बजाय हम फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। अगर दोनों का मोल ए और बी के मोल्स को मिला के हम 1 मान लें, वो 1 में से कितना कितना पार्ट, कितना फ्रैक्शन ए है और कितना बी है, तो ये हम कैलकुलेट करते हैं मोल फ्रैक्शन में। तो इसका तरीका है, फॉर एग्जांपल अगर किसी सॉल्यूशन में ए और बी दो कंपोनेंट हैं और मोल फ्रैक्शन हमें ए का निकालना है, सो ए का मोल फ्रैक्शन इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन को। एक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ए कंपोनेंट के कितने मोल्स हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें वेट दिया हुआ है तो उससे हम मोल कैलकुलेट कर सकते हैं सोल्यूट के। फॉर एग्जाम्पल ए यहाँ पे सोल्यूट है, बी सोलवेंट हो सकता है, डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स ऑफ ए एंड बी। बी के भी मोल्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसके वॉल्यूम से या वेट से, तो दोनों को हम ऐड करके और जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं एक एक कंपोनेंट के, एक सॉल्यूट के, उसको टोटल नंबर ऑफ मोल इन सॉल्यूशन से डिवाइड करके मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं। अगर बी का करना है उसी तरीके से, दूसरा कंपोनेंट जो है सॉल्यूशन में, उसके लिए भी बी के जितने मोल्स हैं उसको डिवाइड कर देंगे टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन, और टोटल मोल्स हैं ए के मोल्स प्लस बी के मोल्स, तो उससे फ्रैक्शन आ जाएगा मोल फ्रैक्शन बी का। और ये दोनों एक्स ए और एक्स बी इज इक्वल टू 1 होते हैं, इनको 1 मार्क करके ही हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। अगर यहाँ पे कोई तीसरा कंपोनेंट भी है किसी सॉल्यूशन में, तो उस केस में यहाँ पे फॉर एग्जांपल सी है, तो यहाँ पे एक्स सी भी हो जाएगा, तो उसी तरीके से हम सी का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो उस केस में ए बी सी या जितने भी कंपोनेंट हैं सबका मोल फ्रैक्शन मिला के 1 आना चाहिए। अगर दो ही कंपोनेंट है एक्स ए एंड एक्स बी, तो उस केस में एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो अगर एक्स ए का हमने निकाल लिया, ए का मोल फ्रैक्शन निकाले विच इज एक्स ए, तो एक्स बी जो बी का मोल फ्रैक्शन है उसको 1 माइनस एक्स ए करके भी हम पता कर सकते हैं। अगर दो कंपोनेंट है, अगर एक से ज़्यादा कंपोनेंट है, दो से ज़्यादा कंपोनेंट है, उस केस में आप इंडिविजुअल ये फॉर्मूला यूज करके मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ 4.5 ग्राम मिथेनॉल डिजोल्व इन 40 ग्राम ऑफ वाटर। सो 40 ग्राम ऑफ वाटर में 4.5 ग्राम मिथेनॉल डिजोल्व है, तो इनका मोल फ्रैक्शन अगर हम कैलकुलेट करें दोनों का अलग अलग, मिथेनॉल और वाटर का, तो इनके मोल्स हमें पहले कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो मिथेनॉल के जो मोल्स हैं, मिथेनॉल के मोल्स होंगे, दैट इज इक्वल टू, हमें पता है मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोलिक्यूल वेट डिवाइडेड बाय वेट डिवाइडेड बाय मोलिक्यूल वेट। 4.5 ग्राम, ग्राम में वेट है 4.5 ग्राम, तो इसको अगर हम मिथेनॉल का जो मोलिक्यूल वेट है वो है 32, सो 4.5 को 32 से डिवाइड कर देंगे। सो 4.5 को 32 से जब आप डिवाइड करेंगे, 4.5 डिवाइडेड बाय 32,
is equal to 0.14. सो 0.14 मीथेनॉल के मोल्स है इस सॉल्यूशन में. सिमिलरली वाटर के मोल्स भी पता कर लेंगे. सो वाटर के जो मोल्स होंगे, वाटर का वेट डिवाइडेड बाय वाटर का मॉलिक्यूलर वेट. वाटर का वेट कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 40 ग्राम. सो 40 ग्राम को हम डिवाइड करेंगे 18 से, क्योंकि 18 वाटर का मॉलिक्यूलर वेट है. तो उस केस में 40 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू 2.22 मोल्स वाटर के हैं. तो अब टोटल मोल्स कितने हैं सॉल्यूशन में, टोटल मोल्स हम दोनों को ऐड कर देंगे, 2.22 + 0.14 इज इक्वल टू 2.36. तो 2.36 टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं इस सॉल्यूशन में. अब मीथेनॉल का मोल फ्रैक्शन अगर हम कैलकुलेट करें, सो दैट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ मीथेनॉल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन, एंड दैट वुड बी 0.14 डिवाइडेड बाय 2.36. सो 0.14 divided by 2.36. This is equal to 0.059. So 0.059 ये मीथेनॉल के मोल हैं. वाटर के निकालने के लिए वन में से इसको हम घटा भी सकते हैं या फिर अलग से कर सकते हैं उसी तरीके से. वाटर के जो मोल्स हैं दैट इज 2.22, उसको डिवाइड करेंगे 2.36 जो कि टोटल मोल है. सो 2.22 डिवाइडेड बाय 2.36 एंड दैट इज इक्वल टू 0.94 सो ये मोल फ्रैक्शन हुआ वाटर का. इन दोनों को ऐड करेंगे तो इट शुड बी 1, क्योंकि टोटल मोल्स मोल फ्रैक्शन 1 होगा पूरी सॉल्यूशन का. या फिर एक दूसरे तरह के क्वेश्चन भी इस पे हो सकते हैं, जैसे कि कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इन वाटर. वाटर में HCl डिसॉल्व है और HCl की जो स्ट्रेंथ है 30% वेट है, बाय वेट. सो वेट बाय वेट स्ट्रेंथ दी हुई है, दैट इज 30%. तो यहाँ पे हमें ये भी पता होना चाहिए कि वेट बाय वेट का क्या मतलब है. सो 30% वेट बाय वेट का मतलब है कि 30 ग्राम इज डिसॉल्व्ड इन टोटल 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. सो यहाँ पे 30 ग्राम HCl टोटल 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व है. टोटल 100 ग्राम का मतलब है कि HCl और वाटर दोनों को मिला के 100 ग्राम है. सो इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर है वो 100 - 30 = 70 ग्राम है. सो यहाँ पे 30 ग्राम HCl है और 70 ग्राम वाटर है. तो इनके मोल हम निकालेंगे. सो HCl के जो मोल होंगे इज इक्वल टू 30 ग्राम जो वेट दिया हुआ है HCl का, एंड यू डिवाइड विद द मोलिकुलर वेट ऑफ HCl, दैट इज 36.5. सो 30 डिवाइडेड बाय 36.5 इज इक्वल टू 0.82. सो 0.82 मोल्स HCl के हैं. और वाटर के हमें मोल निकालने हैं. सो वाटर का वेट, वाटर का जो वेट है 100 - 30, क्योंकि 30 HCl है, तो 70 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर, मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास दैट इज 18. सो 70 डिवाइडेड बाय 18 दिस इज 3.88.
सो 3.88 मोल्स यहाँ पे वाटर के हैं, तो टोटल मोल्स हम पता कर लेंगे। सो टोटल मोल्स 3.88 प्लस 0.82 एंड दैट इज 4.70। तो यहाँ पे टोटल 4.70 मोल्स हैं, जिसमें HCl और वाटर दोनों के मोल्स मिला के इन सॉल्यूशन है। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए HCl के जो मोल्स हैं उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल मोल से, एंड दैट इज 0.82 डिवाइडेड बाय 4.70। सो 0.82 डिवाइडेड बाय 4.70 इट इज इक्वल टू 0.17। सो 0.17 मोल फ्रैक्शन है HCl का। सो वन में से इसको अगर निकाल देंगे तो वो वाटर का मोल फ्रैक्शन होगा, या फिर सेम तरीके से आप 3.88 जो वाटर के मोल हैं उसको आप डिवाइड करेंगे 4.7 से। 3.88 डिवाइडेड बाय 4.7 इज इक्वल टू 0.82 वाटर के मोल्स हैं। दोनों को आप ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए, 1.0। अब मोल्स इन केमिकल रिएक्शंस, केमिकल जब दो केमिकल आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो मोल टू मोल रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ए एंड बी दो केमिकल हैं और ये रिएक्शन करने के बाद सी बना रहे हैं, तो यहाँ पे वन मॉलिक्यूल ऑफ ए वन मॉलिक्यूल ऑफ बी के साथ रिएक्ट कर रहा है और बन क्या रहा है, वन मॉलिक्यूल ऑफ सी ओनली। सो जो रेशियो है, मॉलिक्यूलर रेशियो है, दैट इज 1:1:1। या फिर क्योंकि हमें पता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मोल में कन्वर्टेबल हैं, तो मॉलिक्यूल्स का मतलब इनफैक्ट मोल्स ही हैं, क्योंकि वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो बजाय मॉलिक्यूल के तौर पे इसको डिफाइन करने के, वी टॉक इन टर्म ऑफ मोलैरिटी। सो हम कह सकते हैं कि वन मोल ऑफ ए रिएक्ट विद वन मोल ऑफ बी एंड इज गिव राइज टू वन मोल ऑफ सी। सिमिलरली फॉर एग्जांपल इवन वाटर का फॉर्मेशन है, वाटर के फॉर्मेशन में 2H2 प्लस 1O2 एंड यू हैव 2H2O। तो इस इक्वेशन में यहाँ पे दो मोल हाइड्रोजन गैस के हैं, एक मोल ऑक्सीजन का है और वो बना रहे हैं दो मोल ऑफ वाटर। तो इनफैक्ट यहाँ पे हम ये बेसिक रिएक्शन है वाटर सिंथेसिस की। अगर इसको हम ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हमें ये देखना है कि ग्राम टू ग्राम कैसे रिएक्शन हो रही है हाइड्रोजन गैस की और ऑक्सीजन की, सो दो मोल को आप इनको मल्टीप्लाई कर दें इनके मॉलिक्यूलर वेट से। जैसे जो H2 है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास है 1, सो 2 ग्राम भी हम इसे कह सकते हैं, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो रिएक्ट कर रही है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो मास है दैट इज 16, सो 16 इंटू 2 32 हो जाएगा ऑक्सीजन गैस का, सो 32 ग्राम। सो 2 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है और रिएक्ट करने के बाद 2 मोल ऑफ वाटर बना रही है। 1 मोल ऑफ वाटर है 18 ग्राम, सो 2 मोल ऑफ वाटर मतलब 36 ग्राम वाटर। सो इस तरीके से आप मोल्स को ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या ग्राम को मोल में रिवर्ट उल्टा भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन में। बस ध्यान ये रखना है कि उसमें जो मोलिकुलर रेशियो है, कितने मोल्स हैं, मोलर रेशियो क्या है, कितने मोल किस रिएक्टेंट के यूज होके कितने मोल प्रोडक्ट के बना रहे हैं। अब ये जो सारी कैलकुलेशंस हैं इनको सोल्व करने का एक सिंपल तरीका है, जिसको मैंने यहाँ पे कंपाइल कर दिया इन फॉर्म ऑफ ए सिंगल फॉर्मूला। तो ये सिंगल फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बाकी आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है इस टाइप के सवालों को सोल्व करने के लिए। और ये फॉर्मूला ये है कि वन मोल, जैसा कि हमने देखा है, वन मोल ऑफ एनीथिंग इट इज़ इक्वल टू मोलिकुलर वेट इन ग्राम। किसी भी सब्सटेंस का जो वन मोल है
दैट वी हैव सीन ऑल्सो दैट्स अगर उसके मोलिक वेट के बराबर ग्राम वेट ले लें तो वो वन मोल होगा. सेम टाइम जो वन मोल है और हम गैस की बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में, तो वन मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशंस में वो 12.4 लीटर होता है. सो ये वॉल्यूम का रिलेशन है मोल के बीच में और वेट के बीच में. दूसरा जो वन मोल है उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स हैं, वो इक्वल टू वन एवोगैड्रो नंबर होते हैं, दैट इज 6.02 × 10^23. सो ये चार चीज़ें अगर आपको याद हैं तो मोल कंसेप्ट और मोलैरिटी के बेस पे जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं यू कैन ईजली सॉल्व देम. बस यहाँ पे यूनिट्स आपको याद रखनी है. सो इसमें आप वन मोल फॉर एग्जांपल अगर हमें वॉल्यूम देखना है कि वन मोल किसी सब्सटेंस के किसी गैस की अगर बात कर रहे हैं तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे तो हम ये देखेंगे. सो वन मोल विल हैव 22.4 लीटर वॉल्यूम इन स्टैंडर्ड कंडीशंस. अगर हमें ग्राम देखना है, ग्राम का वॉल्यूम निकालना है, कोई गैस है ग्राम में है और उसको आप वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो हम ये रिलेशन यूज कर सकते हैं. या किसी मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं तो डायरेक्ट हम ये देख सकते हैं एवोगैड्रो नंबर. या किसी मोल ग्राम्स किसी वेट दिया हुआ है और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं तो ये यूज कर सकते हैं रिलेशन. या फिर किसी गैस का स्टैंडर्ड कंडीशंस में वॉल्यूम दिया हुआ है और उसमें हमें जो है नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं तो ये यूज कर सकते हैं. या फिर रिवर्ट भी उल्टा भी इनको कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये चार पॉइंट्स हैं, ये चार नंबर्स हैं जो अगर आप याद कर लेंगे तो उस केस में यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम टू सॉल्व एनी न्यूमेरिकल क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट एंड मोलैरिटी.